बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्या है बताओ? शिष्य ने कहा, मेरा वस्त्र पुराना हो गया है, अब ये पहनने लायक नहीं रहा, कृपया क्या मुझे नया वस्त्र मिल सकता है? बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र देखे और पाया कि वस्त्र बिल्कुल फटे हुए थे और उन्हें बदलने की सख्त जरूरत थी। इसलिए उन्होंने दुकानदार से शिष्य को नया वस्त्र देने को कहा। शिष्य ने महान गुरु को प्रणाम किया और कमरे से बाहर चला गया। बुद्ध उस घटना के बारे में सोचते रहे और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने शिष्य को एक मूल्यवान सबक सिखाने का अवसर खो दिया है। इसलिए वे उससे बात करने के लिए शिष्य के कक्ष में गए। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपने नए वस्त्र में संतुष्ट हो? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अब जब आपके पास नया है तो आपने पुराने के साथ क्या किया है? शिष्य ने उत्तर दिया कि मैंने इसका उपयोग अपनी घिसी हुई चादर को बदलने के लिए किया है। बुद्ध ने आगे पूछा, तुमने पुरानी चादर का क्या किया? गुरुजी, मैं इसे अपनी खिड़की पर पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने अपनी पुरानी खिड़की का पर्दा हटा दिया है? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने इसे 4 टुकड़ों में फाड़ दिया है और इन्हें रसोई में गर्म बर्तनों को संभालने के लिए नैपकिन के रूप में उपयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, पुराने रसोई के नैपकिनों का क्या हुआ? शिष्य ने कहा, हम इनका उपयोग फर्श धोने और पोंछने के लिए कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे एक और प्रश्न पूछा, पुराना पोछा कहाँ है? शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हे प्रभु, पुराना पोछा इतना फटा हुआ था कि हम सबसे अच्छा यही कर सकते थे कि उसके सारे धागे अलग करके तेल के दीपक के लिए बत्ती बना लें। उनमें से एक बत्ती अभी आपके कमरे में जल रही है। बुद्ध संतुष्ट थे। उन्हें खुशी थी कि उनके शिष्यों को यह एहसास हो गया कि कुछ भी बेकार नहीं है। हम चाहें तो हर चीज का उपयोग कर सकते हैं। कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय भी नहीं। यदि हम सभी संरक्षण और पुनः उपयोग की आदत अपना लें तो हम अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों और उनके भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सोच समझकर किया था। आइए हम सब मिलकर धरती माँ और प्रकृति माँ की रक्षा करने और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का संकल्प लें।